प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपको सत्य का एहसास दिलाना चाहता है कि जीवन जीने का एक ही मार्ग है, वो है प्रेम, सहिष्णुता, उपकार करना, अपने आप को सर्वशक्तिवान बनाना, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रवाह में बहते हुए पूरी दुनिया में शांति का पैगाम फैलाना। क्योंकि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो व्यक्ति यही बोलेगा, क्योंकि अगर हर जगह खुशहाली हो, शांति हो, अमन हो, चैन हो, नए नए आविष्कार हो, तो सब जुड़ने की बात होती है। लेकिन जब मनुष्य इन धुरी से दूर चला जाता है तो जिस तरह गुरुत्वाकर्षण लोगों को खींच के रहता है, बांध के रखता है प्रेम के बंधन में, उसे दूर हो जाता है और ये समय का चक्र चलता रहता है। तो आप कभी कभी देखे होंगे कि कोई अगर चक्र बहुत गति से चल रहा हो तो गुरुत्वाकर्षण जो उसे जोड़ती है अपने केंद्र की तरफ, वो केंद्र की तरफ नहीं जुड़ के वो चक्र के बाहरी दिशा में चला जाता है और इससे पृथ्वी का पूरा विनाशकारी प्रवृत्ति वाले लोग जुड़ जाते हैं, वो भटके हुए इंसान हैं। आपको मैं बार बार बताना चाहता हूँ, आप किसी की बात मत सुनिए, अपनी बुद्धि का सहारा लीजिए और देखिए जो आनंद प्रेम में मिलता है, एक दूसरे का सम्मान करने में मिलता है, सहयोग करने में मिलता है, वो कहीं मिलता है क्या? परिवार से शुरू करिए। अगर आपके परिवार में शांति हो, प्रेम हो, स्नेह हो, सहयोग हो, तो आपका परिवार इतना खुशमय और आनंदमय हो जाता है कि जीवन जीना जो बिल्कुल एक दुर्गम यात्रा है वो भी सुगम हो जाता है। कब कैसे समय गुजर गया इसका पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर परिवार में ही स्त्री पुरुष बाल बच्चे में विरोध हो, इसलिए तुलसीदास जी मेरे प्रिय दोस्त ने कहा था, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो प्यारे दोस्तों, क्यों नहीं अपने बच्चे को, क्यों नहीं अपने सारे मनुष्य जाति को यही सिखाया जाए कि प्रेम करो, प्रेम अपने शरीर से, अपने मन से करो, शरीर को सबल बनाओ और मन को अत्यधिक ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान बनाओ कि तुम सत्य का एहसास कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं जितने भी महान पुरुषों का चरित्र पढ़ा हूँ और उनको समझने की कोशिश की हूँ, तो कभी भी वो विरोध की बात नहीं की, कभी भी वो काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं की, कभी भी वो नफरत नाराज़गी की बात नहीं किए। क्योंकि ऐसे विचार वाले लोग दो धारी तलवार लेके चल रहे हैं, जिससे अपने को तो काटते ही हैं, सर्वनाश होता ही है, दूसरों का भी बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। लेकिन कौन समझाए इनको? मैं तो समझ गया, क्योंकि मैं विचारों को जब सुनता हूँ तो उसको समझता हूँ, तौलता हूँ, और जब सूर्य की बात आती है तो सूर्य को समझता हूँ, चंद्र की बात आती है तो चंद्र को समझता हूँ, गुरुत्वाकर्षण के गुणों को समझता हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझता हूँ। क्योंकि मेरी बुद्धि उन लोगों की बुद्धि जैसी है, अपने बुद्धि पर भरोसा करना सीखिए। और ये लड़ाई झगड़े मार काट द्वेष जला देगा तुम्हें मेरे भाई, क्षणिक सुख और आनंद मिल सकती है, लेकिन अंत में तुम्हारे विचार अगर कुबुद्धि का है तो तुम्हारा विनाश तुम्हारा विचार ही कर देगा, दूसरों का भी होगा। अगर तुम अपने घर को जलाओगे कुबुद्धि से तो पड़ोसी के घर भी जल जाएंगे मेरे भाई। इसीलिए मेरी बात सुनो, इसको समझो, इसको तौलो और इतिहास को भूल जाओ। इतिहास को याद करने से कुछ फायदे नहीं है, जो बीत गई सो बात गई। इस आधुनिक युग में ज्ञान के बहुत सारे रास्ते हैं और ज्ञान वही है, बार बार कहता हूँ,
जिसमें आपका भी जय हो, दूसरों का भी जय हो, सबों का जय हो। मनुष्य की तो छोड़ ही दो, मैं तो जीव जंतु पशु पक्षियों के साथ भी न्याय की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे विचार जुड़े हैं अब्राहम लिंकन से। और जितने भी महान व्यक्ति हुए, मेरे विचार जुड़े हुए हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से, चार्ल्स डार्विन से। ये पृथ्वी किसी की बपौती नहीं है यार, यहाँ दो चार दिन, चार दिन की चांदनी है हमारी जीवन। जब हम खुद चले जाएंगे तो दूसरों को क्यों परेशान करें भाई, अपने बारे में सोचो, अपने ज़िंदगी की राह सही दिशा में चलाओ और दूसरों को भी समझाओ मेरी तरह। ये किसी की बातें सुने सुने भैया, क्या बुद्धि तुम्हारा भ्रष्ट हो गया? क्या तुम जानवर है? क्या तुम पशु है? तुम अपने आप को घटिया क्यों समझते भाई? किसी के पिछलग्गू क्यों बनते भाई? अरे सोच के तो देखो भाई। मैं बोल दिया, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। मैं जब तक उन विचारों को सत्य नहीं समझूंगा तो असत्य के रास्ते पर जाऊंगा ही नहीं। और सत्य क्या है? प्रेम, स्नेह, सम्मान, साथ चलने की जो परंपरा है ना, वही प्रेम। आज हमारे तुम्हारे जीवन, मेरे भाई और बहन, इतने खुशहाल क्यों हैं? हमारे जैसे विचार वाले लोग नए नए अनुसंधान किए, नए नए विचारों से इस पृथ्वी को बेहतर बनाए, समय और दूरी पर विजय प्राप्त किए, और आज हमारा जीवन एक तरह से इतना उत्तम हो गया है जो हजारों वर्ष पहले राजा महाराजाओं को नसीब नहीं था भाई। लेकिन आप तो उन विचारों को लेके चल रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग कुबुद्धि के शिकार हो गए, अपनी बुद्धि तो आपकी मर चुकी है। मारो, काटो, लूटो, बर्बाद कर दो, सर्वनाश कर दो, दूसरों का हित कर दो। अरे भाई, दिमाग में जैसा जहर डालोगे ना, वो जहर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारा विनाश तो होना ही है। भले ही उस जहर से तुम दूसरों का भी थोड़ा विनाश कर दो, अंत तो गत्वा तुम्हारी कुबुद्धि तुम्हारा ही विनाश करे। इसीलिए भाई, मैं एक फकीर हूँ, मेरा न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई भूमि है, न क्षेत्र है, ये ब्रह्मांड मेरा परिवार है। मैं ब्रह्मांड का एक व्यक्ति हूँ जो आपको संबोधन करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ और आपको दिव्य ज्योति, दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ। इस ब्रह्मांड ने आपको शरीर जानवर की तरह दिया है, लेकिन बुद्धि ऐसा दिया है जो ब्रह्मांड की बुद्धि है, जिसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर उसको जगाओगे तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा विपसाना, क्लैरिटी, और तुम गंभीरता से सोचोगे तो लगेगा प्रेम ही जीवन है, सहयोग ही हमारा संस्कार है, सबका सम्मान करना ही हमारी जाति है, धर्म है, कर्म है। सारे धर्मों से ऊपर उठ जाओ, सत्य की खोज करो। मेरा प्यारा दोस्त गौतम सिद्धार्थ केवल सत्य की बात किया, वो कभी आपको मंदिरों में बांधा नहीं, कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया। प्रेम, प्रेम करो, स्नेह करो, नफरत नाराजगी से दूर चले जाओ, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तुम अपने आप को तरह तरह से क्यों दिखाते हो लोगों को? तुम तरह तरह के नहीं हो, तुम केवल मनुष्य हो। पैदा लिए थे तुम्हारे वेशभूषे नहीं थे, वो रंग में रंग दिया, जिस खानदान में पैदा लिए, जिस समाज में पैदा लिए, ये डुप्लीकेशन है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो मनुष्य ही पैदा लिए थे भाई। तो मनुष्यता जो सीखो, मानवता को सीखो। मानवता है, हम एक हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है। हम सबों की खुशहाली के लिए कार्य करें, हर जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा करें, और अगर इन विचारों से हम आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी पर शांति आएगी, विश्व में शांति आएगी। ये सारे भटके हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं,
मार रहे हैं, मर जाएंगे एक दिन सब। कितने विश्व युद्ध हमने देख लिए, एटॉमिक विश्व भी देख लिया, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बमबार्ड कर दिए, अभी भी धमकी दे रहे हैं एटॉमिक वॉर हो। अरे जानवरों, मुझे कुछ फिक्र नहीं है कि आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, शर्म आती है तुम्हारे नीचता पर, कीड़े मकोड़े की तरह घृणा नफरत नाराजगी की राजनीति करके दुनिया को जलाने की कगार पर। शांति की बात करो, प्रेम करके देखो ना, प्रेम करो, हमने ये सीखा है। अब रख जरा तलवार तो बंदूक एटॉमिक वेपन्स, जरा प्यार करके देखो, सच मोरो, सच मानो, तुम्हारी विजय होगी, हम सब जुड़ जाएंगे। प्रेम का बल इतना तगड़ा होता है जहाँ की न्यूक्लियर बम फीका पड़ जाता है। रो दूंगा प्रेम का बल, समझो। धन्यवाद।